हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे टेक्निकल सौदागर चैनल पे आप लोगों का। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप बिना मोबाइल नंबर के आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, आप बिना मोबाइल नंबर के 2 मिनट में आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बताते होंगे, लेकिन मैं ये इसमें नई ट्रिक बताने वाला हूँ, वो भी 100% आपको 2 मिनट में डाउनलोड करके दिखाऊंगा। बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर हुए भी आप आधार कार्ड को 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। या दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। उससे पहले दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउज़र में घुसना होगा। तो जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है UIDAI। उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे डाउनलोड आधार। तो मैं डाउनलोड आधार पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने में ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पर 3 तरह से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, एक आधार नंबर डाल करके, एक इनरोलमेंट आईडी डाल करके, एक वर्चुअल आईडी डाल करके। तो मैं यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालकर आधार कार्ड को डाउनलोड करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, तो दोस्तों आधार कार्ड नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर यह कैप्चर कोड डाल देना है। जैसे मैं ये कैप्चर कोड डाल देता हूँ, कैप्चर कोड डाल देने के बाद आपको यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिखाई देना है फेस आउट का, इस पर फेस आउट पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपके सामने में ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आप जो है कि यहाँ पे बता रहा है कि आप पूरी लाइट में खड़े होकर पिक्चर लेना, ना एक तरफ छाया हो ना पूरे चेहरे पर छाया हो, बल्कि पूरे तरह से साफ़ सुथरा पिक्चर आनी चाहिए। जैसे मैं ओके पर क्लिक कर, उसके बाद दोस्तों आपका ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पर कैप्चर पर अच्छी तरह से फ़ोटो लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब थोड़ी देर में ये आधार नंबर को दिखाई देगा डाउनलोड करने का ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों, आपके पास ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, तो आपको जो है कि यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे मैं यस पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपके आपके पास कितने दिन पहले आधार कार्ड आया है। अगर नहीं आया तो आप डाइट नॉट रिसीव पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में आधार कार्ड का पूरा पेज आ जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड जो है यहाँ पे आ चुका है PDF, और मैसेज भी आ चुका है। मेरा मैसेज में आधार नंबर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में क्या डालना है अगर जो जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानता तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। आप यहाँ पर अपने नाम का कैपिटल लेटर में 4 अक्षर डालेंगे। जैसे मैं 4 अक्षर डाल लेता हूँ, कैपिटल लेटर में 4 अक्षर डालने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 अक्षर लास्ट वाले, जैसे कि 1992-93 होते हैं, उस तरह से आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद ये जो है अपने आप डाल देने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने में पूरी आधार कार्ड आ गई है। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ये तो अपने ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो प्लस का निशान दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से सेव करके रख सकते हैं या आप इसको प्रिंट करा लेंगे कभी भी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और नए आए हैं अगर मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कभी भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों, मैं इसी तरह के टेक्निकल वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।